नमस्कार दोस्तों, आज एक 33x39 का एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान देखेंगे। देखिए, घर का लंबाई है 39 फीट और इसका चौड़ाई है 33 फीट और ये एक 3BHK हाउस प्लान है। घर के सामने रोड है, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। देखिए, घर के सामने है पोर्टिको, यहाँ पर है पोर्टिको और ये पोर्टिको का साइज देखिए 18 फीट 4 इंच बाई 7 फीट 3 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये है 18 फीट 4 इंच और ये वर्टिकल जो लेंथ है ये है 7 फीट 3 इंच। ये पोर्टिको कम पार्किंग गाड़ी रखने के लिए है। ये है आपका चार्जर प्रोजेक्शन और ऊपर गाड़ी जाने के लिए रैंप है यह, और पैदल जाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप है। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप घर के अंदर जाएंगे। ये है आपका एंट्री घर का और ये है एंट्री डोर। यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये राइट साइड में स्टेयरकेस है ऊपर जाने के लिए। ये 7 फीट वाइड का स्टेयरकेस है, यहाँ से यहाँ तक ये है 7 फीट वाइड का स्टेयरकेस। और ये स्टेयरकेस का जो राइज है, ये राइज 6 इंच का है और ये ट्रेड है 10 इंच का। ये लैंडिंग जो यहाँ पर है, ये है 3 फीट 6 इंच वाइड का लैंडिंग है, 3 फीट 6 इंच बाई ये है 7 फीट। देखिए, ये स्टेयरकेस में भी नीचे एक खिड़की है और यहाँ पर एक लैंडिंग पर एक खिड़की है। ये देखिए, लेफ्ट साइड में बेडरूम है और ये बेडरूम जो है, बेडरूम का साइज है 13 फीट बाई 10 फीट का ये बेडरूम है। ये हॉरिजॉन्टली लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 13 फीट और यहाँ से यहाँ तक ये है 10 फीट और ये बेडरूम का ये है डोर, यहाँ पर है डोर। और ये बेडरूम में 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की। बेडरूम के पास यहाँ पर है पूजा घर और ये पूजा घर का साइज है 7 फीट 5 इंच। ये लंबाई है 7 फीट 5 इंच और इसका चौड़ाई है 4 फीट 3 इंच। पूजा घर का साइज है 7 फीट 5 इंच बाई 4 फीट 3 इंच। पूजा घर का डोर यहाँ पर है। ये जो बेडरूम है, बेडरूम को आप यहाँ से जाएंगे तो ये है आपका बेडरूम और ये सीधे जाएंगे तो ये है पूजा घर। और यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है आर्च, आप यहाँ पर एक आर्च डिजाइन कर सकते हैं। अंदर जाएंगे तो ये है आपका लिविंग रूम। देखिए, लिविंग रूम है 15 फीट 4 इंच बाई 9 फीट 5 इंच। ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये है 15 फीट 4 इंच और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये जो वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक ये है 9 फीट 5 इंच। और ये बाएं तरफ है डाइनिंग 7 फीट 10 इंच बाई 9 फीट 10 इंच का ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग का साइज देखिए, ये डाइनिंग का साइज यहाँ से यहाँ तक ये है 7 फीट 10 इंच और यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकली ये है 9 फीट 5 इंच। ये 9 फीट 10 इंच लिखा है, 9 फीट 5 इंच है। और डाइनिंग में यहाँ पर एक खिड़की है। ये लिविंग और ये डाइनिंग के बीच में एक स्क्रीन पार्टीशन है, आप यहाँ पर एक स्क्रीन दे सकते हैं, नहीं तो आप ये स्क्रीन भी हटा सकते हैं। अगर आप ये स्क्रीन यहाँ पर नहीं देंगे तो ये बड़ा सा हॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन दे देंगे, एक लगा लेंगे। और ये है किचन, देखिए बाएं तरफ किचन है साउथ ईस्ट, ये है आपका साउथ ईस्ट
डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पर ये है किचन, और ये किचन का साइज देखिए 7 फीट बाई 10 फीट, 7 फीट है इसका वाइड और 10 फीट है इसका लंबाई। यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्टिकल लेंथ ये है 10 फीट, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है 7 फीट, और यहाँ पर है आपका सिंक पॉइंट, सिंक माने बर्तन धोने के लिए यहाँ पर है सिंक। देखिए यहाँ है बाहर तरफ है आपका एक बेसिन, डाइनिंग में यहाँ पर एक बेसिन है हाथ धोने के लिए, और किचन रूम में एक खिड़की भी यहाँ पर है, और यहाँ पर एक बेडरूम है किचन के पास। और ये जो बेडरूम है, बेडरूम का साइज है 11 फीट 5 इंच बाई 12 फीट, 11 फीट 5 इंच, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है 11 फीट 5 इंच, और ये वर्टिकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 12 फीट। और ये देखिए ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर ये है मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम का साइज देखिए 11 फीट 8 इंच, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 11 फीट 8 इंच, और यहाँ से यहाँ तक ये है 12 फीट, 11 फीट 8 इंच बाई 12 फीट का ये मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में भी दो खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की, और ये मास्टर बेडरूम का देखिए ये है अटैच टॉयलेट, और ये अटैच टॉयलेट का साइज है 7 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच, 7 फीट 9 इंच, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 7 फीट 9 इंच लंबाई, और ये चौड़ाई 4 फीट 6 इंच, और ये है टॉयलेट का डोर, और ये मास्टर बेडरूम का ये है डोर। ये लिविंग रूम में एक देखिए यहाँ पर है टॉयलेट, ये है कॉमन टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट का भी वही साइज है, सेम साइज 7 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। और ये टॉयलेट के बाहर देखिए एक बेसिन पॉइंट है हाथ धोने के लिए, दोस्तों ये एक 3 BHK हाउस प्लान है। यहाँ पर है मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर, और ये है दूसरा बेडरूम, बेडरूम नंबर 2, और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3। ये एक 3 बेडरूम 1 हॉल, ये बड़ा सा हॉल है, डाइनिंग और लिविंग, यहाँ पर एक हॉल है, 1 हॉल 1 3 बेडरूम 1 हॉल, और एक किचन यहाँ पर है साउथ ईस्ट में। ये एक 3 BHK हाउस प्लान, और इसके साथ साथ इसमें स्टेयरकेस भी है ऊपर जाने के लिए, पूजा घर भी है, और एक पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस है, पोर्टिको है घर के सामने। चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। देखिए प्लिंथ एरिया है 1287 स्क्वायर फीट का प्लिंथ एरिया है ये, इंक्लूडिंग पोर्टिको, सामने जो पोर्टिको है ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया ये बिल्डिंग के साथ मिला के है 1287, और वॉल थिकनेस देखिए, वॉल थिकनेस है 10 इंच एंड 5 इंच, 10 इंच ये जो मोटा वाला वॉल है ये है 10 इंच का, ये 10 इंच है, ये 10 इंच है, और ये भी 10 इंच, और 5 इंच ये जो पतला वाला वॉल है ये सब 5 इंच वॉल है, पार्टीशन वॉल। और स्टेयर केस का ट्रेड देखिए, स्टेयर केस में ट्रेड जो है वो है 10 इंच का, और स्टेयर केस का राइज है 6 इंच का, और स्टेयर केस में जो लैंडिंग है 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट, ये जो स्टेयर केस का लैंडिंग यहाँ से यहाँ तक ये है 3 फीट 6 इंच, और ये है 7 फीट। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।